अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी। जिसे बनाने के लिए हमने लिया है आलू, 1.5 पाव आलू लिया है वज़न में, और काट के तो पानी में रख लिया है। 1.5 पाव ही हमने फूल गोभी का लिया है, तो ये हमने इस तरह बड़े बड़े उसमें फूल में उसको काट लिया है। साथ ही 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है, 1 बड़ी साइज़ की टमाटर, और टमाटर का हमने छिलका उतारा हुआ है क्योंकि मेरे पास फ्रीज है, तो फ्रीज वाले टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाता है। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के ही अदरक का पेस्ट लिया है। अदरक मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ कि ये थोड़ी सी बादी होती है गोभी, तो इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अदरक के साथ सूंड यानी कि खुशक अदरक भी कोई 1/4 टीस्पून डालना चाहें तो वो भी इसमें बड़ी इफ़ेक्टिव है। साथ ही मैंने इसमें लिया है ये 2 अदद खुशक मसाले हैं, बड़ी इलायची है 1, और ये 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का मैंने छोटे छोटे 2-3 टुकड़े लिए हैं। तो ये भी बेसिकली इसी वजह से कि इसकी थोड़ा सा इसका बादीपन ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने ये 2 मसाले भी ऐड किए हैं। तो साथ ही 1 टेबल स्पून भर के खुशक धनिया पाउडर है मेरे पास, और हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के, ऊपर तक भर के लिया है नमक और लाल मिर्च, ये आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। और साथ ही ऑयल हम इसमें डालेंगे 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये इलायची और दालचीनी, थोड़ा सा इसको हल्का सा कड़कड़ाने देंगे। मसाला हमारा थोड़ा सा हो चुका है, अब हम डाल देंगे प्याज। मसाले को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना करना है कि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म होए, तो साथ ही प्याज डाल देनी है। प्याज को भी हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को मैंने बहुत बारीक काटा है ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। प्याज हमारा कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो गया है और कलर भी अच्छा सा चेंज हो रहा है। अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन, जब तक लहसुन पकेगा तब तक प्याज और थोड़ा कुक हो जाएगा। लहसुन डालने के थोड़ी देर बाद ही हम इसमें अदरक भी डाल देंगे, हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे लहसुन से, तो अब हम डाल देंगे इसमें अदरक। अदरक भी हमारा कुटा हुआ है, पेस्ट नुमा है, तो अदरक को भी इसी तरह पकाएंगे कि अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक हमारा भी पक चुका ऑलमोस्ट। अब हमने इसमें ये हमने 4 मसाले इकट्ठे डाल देने हैं, सिर्फ हमने मिक्स गरम मसाला पाउडर जो है वो रखा है, वो हम बाद में शामिल करेंगे। अभी हमने डाल देने हैं मसाले और कुछ सेकंड पकाएंगे मसाले को। थर्टी टू फोर्टी सेकंड जैसे ही हमारे मसाले थोड़े से पक जाएंगे तो हम इसमें डाल देते हैं साथ टमाटो। टमाटर हमारा जो है वो छिलका उतरा हुआ है और क्योंकि फ्रीज्ड है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें छोड़ा हुआ है, तो आते ही अच्छा सा मसाले में पानी भी शामिल हो गया है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए टमाटर, और पूरी तरह इसको खुश नहीं करेंगे टमाटर को, क्योंकि हमने अभी इसी पानी में आलू और गोभी दोनों को हमने पकाना है।
हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, आलू अपना पानी, आलू और गोभी जो छोड़ेगा और जो थोड़ा बहुत टमाटर का होगा उसी में ही हम इसको पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट इसको पकाते हैं बगैर ढांपे ही। 3-4 मिनट हो गए हैं और टमाटर हमारा कदरे नरम हो चुके हैं पहले की नस्बत। तो अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे इसमें आलू और गोभी। पहले आलू शामिल करेंगे ताकि जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरह पकें, सॉफ्ट हों, तब तक साथ ही हमारे आलू और गोभी भी सॉफ्ट हो जाएं। कुछ मिक्स करेंगे अच्छा सा। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी। गोभी को आप बड़ा या छोटा जितना आप चाहें उसी साइज का काट सकती हैं, आलू को भी इवन के, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का रखा है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको और मिक्स करके तो हम इसको ढांप देंगे कोई 8-1 मिनट के लिए। चलें जी, मिक्स हो गया हमारा गोभी का सालन और अब हम इसको ढांप देंगे और इसको तकरीबन 8 मिनट तक हम मीडियम टू लो आग पे ढांप के रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। 8 मिनट हो गए हैं उसे रखे हुए, तो ये आप देखें मीडियम टू लो आग पे रखी हुई थी। तो इसको अब हम इसको चेक करेंगे कि आलू हमारा सॉफ्ट हुआ या नहीं। ये आप देखें आलू बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है और गोभी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं एक दफ़ा अच्छा सा इसको मिक्स कर दूंगी। मीडियम टू लो आग पे रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं की। तो अब इसको अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स करके तो इसको मैं कोई 2 से 3 मिनट तक दोबारा रखूंगी ताकि अच्छा सा इसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाए। बहुत मज़े की बनती है इस तरह सिंपल तरीके से। 4 मिनट दोबारा हो गए हैं मुझे इसको रखे हुए और बस सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मिक्स गरम मसाला जो कि मैंने एंड में डालना था। ये और अच्छा सा मिक्स करके बस 1-2 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद करके रखूँगी, थोड़ा सेटल हो जाए, फिर मैं इसको डिश आउट कर लेंगे हम। तो तैयार है हमारा मज़ेदार आलू गोभी का सालन जो कि वेजिटेबल लवर्स को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो जो वेजिटेरियन नहीं है वो भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है कि ये उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपसे अच्छी बनेगी। और अगर अच्छी बने तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।